राज्य सरकार ने 15 जून से आवेदन शुरू कर दिया है राज्य के सभी पारा टीचर के लिए बहाली। हाई कोर्ट का आदेश जारी है, कैसे करना है जरूर जानें। 54,000 पद खाली, पारा टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, पारा शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पारा टीचर न्यूज़ में। दोस्तों, आज के तमाम बड़ी खबर के साथ हम आ चुके हैं पारा टीचर के लिए। आज 54,000 पारा टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ। अगर आप भी 54,000 पारा टीचर के लिए खुशखबरी बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि पारा टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है सभी पारा टीचर के लिए, आप सभी पारा टीचर के लिए एक सुनहरा मौका मिल चुका है। जो भी पारा टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत बड़ा वैकेंसी बहाली निकल के आ चुका है। राज्य के सभी पारा टीचर के लिए बहाली निकल के आ चुका है। अगर आप भी इस बहाली में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी एक पारा टीचर बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये जो आदेश जारी किया है सभी पारा टीचर के लिए किया है। दोस्तों, सभी पारा टीचर से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल सेलेक्टेड किया गया है, नंबर वन पारा टीचर यूट्यूब चैनल का नंबर आया गया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है, क्योंकि ये झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल है जहां पारा टीचर से लेटेस्ट जानकारी खबर दिया जाता है। हमारे चैनल पर जो भी खबर आता है पारा टीचर से लेटेस्ट जानकारी, हर खबर हमारे चैनल पर दी जाती है, चाहे वह किसी भी जिले से हो, किसी भी स्टेट से हो, हमारे चैनल पर दी जाती है। तो आप जाके विजिट करिए हमारे चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे हमने वीडियोस डाली है, जहां हमारी चैनल का एक ही मोटिव है, पारा टीचर का न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। जब तक पारा टीचर का न्याय अत्याचार होता रहेगा, मानदेय स्थायीकरण वेतनमान या पेंशन या किसी तरह का न्याय टीचर को नहीं मिलता है, तब तक हमारा चैनल पारा टीचर के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा है और हम भी हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि झारखंड का पारा टीचर मैं भी हूं, तो मेरा कर्तव्य है सभी पारा टीचर का सपोर्ट करना। तो आप सभी पारा टीचर से आज और के विनती करता हूँ, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए एक से एक कंटेंट लेकर आते रहेंगे और राज्य के हर सरकार को हम ये बता देंगे कि पारा टीचर हम हैं और हम देश के एक अच्छे नागरिक बनके और हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए भी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पारा टीचर का हर निर्णय को सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 94,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 15 से जमा होंगे आवेदन। दोस्तों, ये खबर पटना से निकल गया है। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली 15 जून से होगी। राज्य सरकार ने 2.5 महीने में शिक्षा नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश संबंधित योजना इकाइयों को दिया है। पटना के हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्था NIO का 18 महीने का DLA कोर्स करने वाले को भी शिक्षा बनने का मौका मिलेगा। यह आवर्ती भी अब नियोजन प्रक्रिया में आवेदन करेंगे। TIT का NSS TIT योग्यता भागवती आवेदन करने का योग होगा। यह संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को शिक्षा नियोजन संबंधित डिग्री UD जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव अमित कुमार ने बताया कि शिक्षकों की बहाली के लिए 1 महीने का आवेदन का समय आवर्तित कर दिया गया है। नियोजन की ड्यूलिन में 15 जून से 14 जून तक में नियोजन इकाइयों में जमा होगा आवेदन। 18 जुलाई तक मेगा सूची की तैयारी। 21 जुलाई तक मेगा सूची की नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन। 23 जुलाई तक मेगा सूची का प्रकाशन। 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेगा सूची का प्रतिदिन देगा। 10 अगस्त से प्रति का निकारण। 12 अगस्त तक मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन। 13 से 12 अगस्त तक जिला द्वारा पंचायत के प्रखंड मेगा सूची में अनुमोदक। 25 अगस्त नियोजन इकाई द्वारा मेगा सूची का प्रकाशन। 31 अगस्त चयन की अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र की जांच, नियुक्ति पत्र देना। सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषणा। पटना से केंद्र सचिव प्रदेशन शिवाजी ने 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। शारीरिक परीक्षा के लिए पदों का 5,264 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। परीक्षा परिणाम प्रदेशन का वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। केंद्र चयन पर
परिषद पर ओवैसी के प्रसाद ने बताया कि शारीरिक परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी, लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 8 महीने तक होगी। लिखित परीक्षा पाइन मोटर में लिखा आधार पर होगी। शारीरिक योग्यता दक्षिण परीक्षा 100 अंक का होगी। मेरिट लिस्ट में दौरान ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त अंकों का आचार बनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सारी चीज़ बता दिया कि पारा शिक्षकों का बहाली निकल हो चुका है। 94,000 पारा शिक्षक का पारा टीचर का बहाली होने वाला है और 15 जून से सभी का राज्य सरकार के 2.5 में योजना होने लगा है। 15 जुलाई तक आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी पारा टीचर जल्द से जल्द आवेदन भरना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी जानकारी नहीं है उन सभी पारा टीचर के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी 94,000 पारा शिक्षकों का जल्द से जल्द बहाली हो जाए ताकि उन सभी को पारा टीचर बनने का मौका मिल जाए। यह सुनहरा मौका सभी पारा टीचर के लिए एक और आ चुका है। तो आप सभी पारा टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप किसी भी जिले से हैं, झारखंड से, बिहार से, पटना या किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इन उन लोगों के पास जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करिए ताकि उन सभी को पारा टीचर बनने का एक सुनहरा मौका जरूर से जरूर मिल जाए ताकि सभी को पारा टीचर बन सके और एक देश का नागरिक और आने वाले भविष्य में सभी बच्चों का एक अच्छा एजुकेशन परफेक्ट मिल सके ताकि भविष्य में सभी को एजुकेशन अच्छा दे सके। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते जितना से जितना वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो का लाइक में टारगेट 100 रखा हूँ, 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए और हमारे चैनल पर 10,000 का टारगेट रखा हूँ, सब्सक्राइब कंप्लीट कर दीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार से 4,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है तो 10,000 भी कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि आपका विश्वास है ही हमारा चैनल इतना चल रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल का मोटिव एक ही है कि पारा टीचर का हक मिल सके। पारा टीचर का कोई भी खबर हो, किसी तरह का जानकारी हो, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत मिलते हैं। देख, अगर आपको नहीं पता जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पारा टीचर से लेटेस्ट जानकारी बहुत सारी खबर दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल का मोटिव है पारा टीचर को जल्द से जल्द अन्याय मिल सके। चलिए फ्रेंड, आज के लिए यही, फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।